बीआईपी सीट सुजानपुर विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री धूमल को बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है। उसके बाद सुजानपुर कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। सुजानपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र राणा भी चुनाव मैदान में हैं। राजेंद्र राणा ने अपना चुनाव प्रचार अभियान जोरों से शुरू कर दिया है, जिसके तहत दिन भर दर्जनों नुक्कड़ सभाएं करके जनता से अपील की जा रही है। राणा ने चुनाव प्रचार के दौरान जंगलबैरी, पलाही, बीड, बैरी में नुक्कड़ सभाओं में शिरकत की और अब तक राजेंद्र राणा ने 2000 के करीब नुक्कड़ सभाएं करके प्रचार अभियान में तेजी ला दी है। अभियान के दौरान प्रचार में जुटे हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर में पिछले 5 सालों में रिकॉर्ड विकास कार्य कांग्रेस ने करवाया है और पूरे हिमाचल में विकास के नाम पर सुजानपुर दूसरे पायदान पर शामिल है। उन्होंने कहा कि अब तक 2000 से ज्यादा बैठकें पूरी की जा चुकी हैं और सुजानपुर की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर से पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल चुनाव लड़ रहे हैं और इसके लिए वे उनका पूरा स्वागत करते हैं, लेकिन 9 तारीख तक ही धूमल सुजानपुर में बतौर मेहमान बनकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि सुजानपुर की जनता 9 नवंबर को फैसला करेगी कि राणा कौन है। मेरा प्रचार बड़े लंबे समय से चल रहा है। मैं तो लगभग 5 वर्ष जो है वो जनता के बीच में रहा हूँ, सुख में भी रहा हूँ और दुख में भी रहा हूँ। और जहाँ तक विकास की बात है, सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में एक रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है और आज हिमाचल प्रदेश में अगर 66 चुनाव क्षेत्र हैं तो 66 में पहले पायदान पर नहीं खड़ा होगा तो दूसरे पायदान पर सुजानपुर आज विकास की दृष्टि से पूरे हिमाचल प्रदेश में खड़ा हुआ है। और यही कारण है कि आज सुजानपुर में नाम बनाम काम चुनाव ये चुनाव चल रहा है और एक तरफ जो है जिनका नाम है और दूसरी तरफ राजेंद्र राणा की सेवा और काम है। और आज पूरे इस चुनाव क्षेत्र में लगभग 300 जो है वो नुक्कड़ मीटिंगें मैं कर चुका हूँ पिछले 25 दिनों के अंदर और जो छुटक पुटक कोई छोटे मोटे गांव भी बचे हैं, छोटे छोटे गांव भी बचे हैं, उनमें भी हम लोग जाने वाले हैं। राणा जी, क्या मूड है इस बार सुजानपुर की जनता को बताएंगे? सुजानपुर की जनता विकास के साथ है, काम के साथ है, सेवा के साथ है, राजेंद्र राणा के साथ है। राणा जी, इस बार आपके प्रतिद्वंदी प्रेम कुमार धूमल जी हैं, तो क्या टिप्पणी करेंगे इस पे आप? देखिए, प्रेम कुमार धूमल जी भोरंज चुनाव क्षेत्र से आकर सुजानपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। वो चुनाव लड़ें क्योंकि वो 9 तारीख तक सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में रहेंगे और फिर 9 तारीख 5 बजे शाम को वो अपने भोरंज क्षेत्र में अपने क्षेत्र में घर लौट जाएंगे। और जब तक यहाँ रहें, हमारे मेहमान हैं, मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, उनकी मेहमानबाजी में कोई कमी ना रहे, हम लोग प्रयास करेंगे। राणा जी, बीजेपी में सुजानपुर बीजेपी में चर्चा हो रही है काफ़ी कि राणा को कोई धूमली लेके आए थे राजनीति में, तो अभी भी राजनीति में बहुत कच्चे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसका फैसला तो 9 तारीख को सुजानपुर की जनता करेगी और 18 दिसंबर को जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तब पता लगेगा। हम कच्चे ही सही। मुझे तो ये भी टिप्पणी कही गई कि भई ये हम लोग तो शेर हैं और राजेंद्र राणा चूहा है, हमने चूहे को भी स्वीकार कर लिया। ये कहते हैं कि कच्चे हैं, हम कच्चे को भी स्वीकार कर लें। ये फैसला लोकतंत्र में जनता करती है और जनता उसी के साथ चलती है जो जनता के साथ सुख दुख में या उनके काम करता है, जनता उसके साथ खड़ी होती है।